कैसे हो पब्लिक? ओ सॉरी, वन सेकेंड। कैसे हो पब्लिक? जब से कोरोना आया तब से मेरा हर टाइम पारी हो रही है, इसलिए मेरी मैम मुझसे घर का हर एक काम करवाते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तुमसे ना हो पाएगा। बट काम का इतना प्रेशर था, मन कर रहा था साथ से कूद जाओ। मरो साले। फिर मैंने सोचा अगर मैं मर जाऊं तो मेरा चड्डी का क्या होगा, करके फेंक दे। मेरा पीसी का क्या होगा, करके फेंक दे। उससे गेम कौन खेलेगा? तेरा बाप। तेरा बाप है जाना लाल। और मेन बात, अबे साले से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, वीडियो कौन बनाएगा? इसलिए मैं सच से नहीं कूदा और आपका सामने आ गया हूँ। वीडियो शूट करने चल चूटा। तो चलिए हम साइड चेक कर शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बात ही नहीं करेंगे। जन्म के बाद तुम्हारा माता पिता ने तुम्हारा नाम से पहले डॉक्टर शब्द रख देते हैं। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? नाम क्या तिल ने? क्योंकि उन्हें लगता है तुम बड़े होकर डॉक्टर बन जाओगे। नहीं। लेकिन मुझे इस विचार सोच किसी प्रकार अच्छा नहीं लगता। nope. क्यों भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? और भाई ये तो एमिल ने पैराग्राफ नहीं है, जो दिल में चाहे लिख दे भाई, ये लाइफ है, सेक्स टॉय नहीं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपका बेटा और बेटी निज सोच विचार में ठीक करेंगे उसे क्या बनना चाहिए, नहीं तो दो दिन बाद बेटा सोचेगा मुझे क्या बनना चाहिए। साले किसी ने पूछा तक नहीं। अरे बॉस, मेरा खुद का घर में यही हुआ था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरी घर में मेरी मामू मुझसे कहते हैं बेटा डॉक्टर बन जा, फ्यूचर बड़ा ब्राइट रहेगा। और फिर मैं सुनता हूँ और कान में कटन कर बोलता हूँ चुप चुप हो जा सातवीं फेल। छोड़ देते उस बात को। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स की। हाँ, दो तीन साल में स्टडी स्टार्ट करते हैं तुम्हारे माता पिता ने तुमको, क्या कर सकते हैं हम। तीन चार साल में तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारा खतरनाक वाली स्टडी शुरू कर देते। वाट लगा दिया उनका। वाट नहीं, दुर्गति दुर्गति। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाउल, सी फॉर कैट, और बॉडी का थोड़ी थोड़ी जानकारी, ये बाल है, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये ठोंठ है। कुछ स्मार्ट बच्चे कहते हैं मम्मी मम्मी ये क्या है और ये सब क्या करते हैं? मुझे ऐसे छिछोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। फिर तुम्हारी माँ तुमसे कहते हैं बेटा तुम बड़ा होकर डॉक्टर बन जाओ, फिर तुमको समझ आएगा ये क्या है और ये सब क्या करते हैं। बेटा डॉक्टर बने या ना बने 8-9 साल में तो समझ आ ही जाता है उसके, समझ रहे हो ना। इसके बाद तुम्हारा पेरेंट्स प्रो लेवल के पढ़ाई तुमको शुरू कर देते, 4-5 टीचर तुम्हारे पीछे पे लगा देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैथ तुम्हारे लाइकर से ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। इंग्लिश तो ये दिल टूटने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हाइपोथैलेमस है, दिल नहीं टूटता बच्चा कभी किसी का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सब परो सब परो। तुम्हारी माँ ढंग का कोई काम ही नहीं करने देते तुमको। Then what will you do? सारा दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पिछोरे पे चिपक रहते हैं और देखते हैं तुम करते nope. क्या हो। अरे यार घुस जा, ये सब छोड़ो, ठीक से खेलने नहीं देते। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें खेलने जाने से देख लिया तुम्हारी तो ख्याल ही नहीं, उसी टाइम तुम्हारी माँ स्वयं माँ दुर्गा नहीं तो माँ काली बन जाते हैं और बोलते हैं स्टे नहीं करेगा तो खेल नहीं दूंगा, स्टे नहीं करेगा तो खाने नहीं दूंगा, स्टे नहीं करेगा तो चीनी नहीं दूंगा। ट्वेल्व स्टोन के पहले तुम्हारे पेरेंट्स तुमको एमबीएस का सारा ज्ञान तुम्हारे भेजे में स्क्रू डाल कर टाइट कर देते हैं, क्योंकि ज्ञान निकलना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुमको बहुत सारे प्रेशर देते हैं,
और इस एग्जाम के लिए तुम्हें 3-4 महीने खून बहा के पढ़ाई करना पड़ता है। ए, पसीना तेरा बाप बोलेगा, खून पसीना बहा के पढ़ाई करना पड़ता है। एग्जाम के दिन अच्छे से तैयार होके दहीचीनी खा के पेरेंट्स को प्रणाम करके चलते हो एग्जाम। एग्जाम देने के बाद तुम चैन की नींद सो जाते हो और फिर उसी टाइम से, हाँ गाइस, उसी टाइम से कुछ ही मिनट बाद A few minutes later. तुम्हारा माँ झाटा लेके आते हैं और बोलते उठ उजा बैकपैक कर, तेरा चांस हो गया। और तुम बोलते हो क्या माँ, ठीक से सोने नहीं देते हो, कितना सोया मैं? तुम्हारी माँ कहते हैं 15 दिन से सो रहे तू। और तब से लग जाते हो बैकपैक करने के लिए। उसके बाद कौन सा दिन आते हैं? जी हाँ, वो दिन इस दिन में तुम्हारी माँ सारी का चल रो कर से थक थक कर रोते हैं। फिर तुम्हारी माँ बाप को गले लगा कर दंडवत प्रणाम करके तुम जाते हो कॉलेज में। और कॉलेज में पहला दिन जाते ही जो फेस करना पड़ते हैं वो है गाइस, कॉलेज का पहले दिन सीनियर भाई बहन मिलकर कॉलेज गेट का सामने आरती का थाला लेकर बैठ रहे थे और बोलते आ जाइए सर, आपका वेट कर रहे थे, आ जाइए आ जाइए, आओ आओ। इसके बाद सीनियर भाई लोग कहते हैं सर क्या आप ऐसे कर सकते हैं? नाइस। नो सर, आई कैंट। चुप, तू अपने दिमाग से इंग्लिश की डिक्शनरी निकाल कर फेंक दे। सीनियर भाई के साथ अंग्रेजी कहते हैं हिंदी बोल, हिंदी प्लीज सर, गाली मत देना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है। तू ऐसा कर सकता है? पाप लगता है सर। तुम मन में सोचते हो ए तो बहुत बेशरम है, घर में बाप भाई नहीं है क्या? सर मैंने स्टडी के बिना और कुछ नहीं करा सर, आई डिड नथिंग बट स्टडी। ए मेरा दिमाग गरम हो गया ना। सॉरी मैम, सॉरी मैम। फिर से अंग्रेजी कहता है हर साल गंदा माल आता है। नोटबुक हर का नोटबुक। जी सर, जी सर, निकल 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 लिए सर, निकल लिए। आप जो मैं करने को बोलूंगा वही करना। जी सर, जी सर, भाई टेंशन नहीं लेने का। कम करने के बाद इस चीज को उस ऑर्डर सेक्सी लड़की को दिखाना पड़ेगा। सर कौन सी लड़की को? अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता मुझे, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उस लड़की को, उस लड़की को। ओके सर, मुझे करना क्या होगा? अब तू तेरा बाल्टी को 4K 60 FPS पे ड्राइंग करके उस लड़की को दिखा के मार लाना पड़ेगा। क्या लग गए? जा जा ड्राइंग कर, ड्राइंग कर। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। ओके सर, ओके सर, मारना सर, मुझे अपने घर जाना है। फिर तुम रो रो कर शैडो एंड शेड देकर ड्राइंग करते हो तुम्हारी बांटी को और फिर जाते हो मैम के पास। अरे बॉस, लड़की तो बहुत सुंदर है, फेयर एंड लवली लगाता होगा, एकदम सनी लियोन की तरह। भाई बड़े खाए पिए खानदानी की लगती है। ओए क्या है अच्छो? मैम मैम, उस सर ने भेजा मैम ये पिक्चर दिखाने के लिए, प्लीज मैम मार्किंग कर दीजिए मैम प्लीज। OMG! What the f***? इस पिक्चर को आई एम वेरी ग्लैड टू मार्क यू पिक्चर बट वॉट वन कंडीशन। क्या है मैम? इस पिक्चर को मार्किंग करने के लिए मुझे ओरिजिनल को देखने पड़ेगी। क्या लग गए ये जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे खुद के बच्चे। बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा, तेरा फेवरेट सुपरहीरो कौन सा है? और जरा सर, सुपरमैन सर। वाह उत्तरी सुपरमैन। जी सर, जी सर। बेटा पैंट के ऊपर ये पहन ले, ये पहन ले पैंट के ऊपर और पीछे ये बांध ले और कल उसका एक चक्कर राउंड मार के जा, जा, जा। क्या ये
म्यूजिक ऐसे ऐसे करके काट जाते हैं कॉलेज का पहला दिन की रैगिंग। और कॉलेज का बाद जाओगे कहा, जिस जगह पढ़ते हो उसी जगह तो रहना पड़ेगा, और जगह का नाम है ये है आपका 4 साल का घर। इससे बड़ा तो अपना गुसल खाना है। 4 साल तुम यही पर रहोगे, खाओगे पियोगे। भाई कॉलेज है रैगिंग का क्लास और हॉस्टल है रैगिंग सिखाना का स्कूल। ये से बहुत नामी दमी वीर रैगर निकलता है कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट का रैग करने। जी भाई हॉस्टल है रैगिंग सिखाना का स्कूल। हॉस्टल का सीनियर भाई रात्रिकालीन रैगिंग करते हैं, यही एक अलग मजा है भाई। वाट लगा दिया उनका, वाट नहीं, दुर्गती दुर्गती। 10-15 जूनियर स्टूडेंट बुलाते हैं, फिर बोलते हैं लीजिए सर आप उतरिए अपना बसरिया। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर, फिर तो दिमाग ट्रिगर्ड हो जाते सीनियर भाई को। बोलते अबे साले उतर नहीं तो मूत्र विसर्जन करेगा। दूसरी ग्रुप में स्टूडेंट बुलाकर भाई नचाता है, और कुछ तो यही बोलते जा लड़कियों का हॉस्टल में जाकर कुछ कप लेकर देखना अगर कच्चा भी मिल जाए। और बस लड़की भी कुछ कम नहीं जाता भाई, लड़कियों के हॉस्टल में मेरी रैगिंग होता है इसका। ए बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। सीनियर मैम जूनियर स्टूडेंट बुलाकर बोलते है न उतर नहीं तो ये आप पर मूत्र विसर्जन करेगा। कुछ महीनों के बाद इस सीनियर भाई बहन भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एक साथ खाना पीना उठना बैठना पढ़ाई चीज नहीं होता भाई, सब कुछ होता है भाई। हॉस्टल दिन एक अलग ही मजा है। तो बहुत बातें, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो। दबा के लाइक से ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोक ही दबा के। कमेंट एंड शेयर करो और लाल वाला सब्सक्राइब बटन को ठोक दो। तो मैं चलते हूँ, बाय। हेलो मेरा चटनी लेके आ।